स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुक विद प्रदीप में। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम बनाएंगे चीजी सॉस। आइए देखते हैं इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। हमने एक पैन ले लिया है और इसमें हम डाल लेंगे थोड़ा सा अमूल बटर, और अमूल बटर को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। हमारा बटर मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें एक चम्मच डाल लेंगे चॉप गार्लिक, और चॉप गार्लिक को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम गार्लिक को बटर में सौते करेंगे, इसको पकाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा गार्लिक है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे दूध। जितना आप सॉस बनाना चाहते हो उतना ही आप इसमें दूध ऐड कर लें। तो हमने हाफ कप इसमें दूध ऐड कर लिया है। अब दूध को हम थोड़ी देर इसको पकने देंगे, इसमें बॉईल होने देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग रिच क्रीम। आप इसमें अमूल क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, और भी दूसरी क्रीम आप यूज़ कर सकते हो, दूसरे प्रोडक्ट। तो हम रिच क्रीम इसमें डाल दिया है 2 चम्मच। तो हम इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से पका लेंगे। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा स्वादानुसार नमक। नमक बिल्कुल ही कम डालेंगे इसमें। और इसमें डालेंगे हम अमूल चीज़। थोड़ी सी हम इसमें अमूल चीज़ ग्रेट कर लेंगे। तो थोड़ा हमने अमूल चीज़ ले लिया है, और इसको अब हम अच्छे से इसमें ग्रेट कर लेंगे। और अब हम इसमें चीज़ को भी अच्छे से पकाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारी चीज़ सॉस है वो तैयार हो गई है। अब हम इसको कटोरी में निकाल लेंगे। हम इसको पिज़्ज़ा के साथ, बर्गर के साथ, या हम सैंडविच के साथ, किसी के साथ भी हम इसको अच्छे से इसको खा सकते हैं। ये फ्रेंच फ्राई के साथ भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी और अच्छी लगती है सॉस के साथ में, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम आपका दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप अपना कीमती समय हमारी वीडियोस के लिए निकालते हैं। आप ऐसे हमें सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए। हम आपके लिए नई नई वीडियोस, नई नई रेसिपी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।